देखो भाई, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। क्या चीज स्टार्ट की थी? मैंने आपको बताया था कि जो हम लोगों ने एक्चुअली में लक्षद्वीप को स्टार्ट किया हुआ था, राइट? ठीक है, लक्षद्वीप जो है उसके आगे का हमें अब स्टार्ट करना है। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि लक्षद्वीप कैसा आइलैंड है, कोरल रीफ से बना हुआ, राइट? यहां तक हमने किया था। पिक्चर आप देख सकते हैं, कोरल रीफ्स आपके सामने पिक्चर में है, ठीक है? सो कोरल रीफ्स जो बनी हुई है, क्या खास बात है, क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है? वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देखो भाई, कोरल रीफ्स ये एक रॉक है, मतलब क्या बनी है, तरीके से रॉक के डिपॉजिट्स है, ठीक है? ये अंडर वाटर मिलते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर किससे बने हुए हैं? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से मिल करके बने होते हैं, ठीक है? एक्चुअली में क्या होता है, कोरल्स जो है वो एक रॉक टाइप बनी होती है। किससे बनती है ये सी एनिमल, कौन? पॉलिप्स, उनसे मिलके बनती है। और ये वाली जो है, इनके पूरा का पूरा जो इनका स्केलेटन होता है, जो इसके ऊपर की हार्ड कवरिंग होती है, वो बनी हुई होती है किससे? कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है? ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कैल्शियम कार्बोनेट से ये बनी हुई होती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बहुत सारे एक स्ट्रक्चर हैं जो किसके साथ रहते हैं? कॉलोनीज में। कॉलोनीज का मतलब होता है ग्रुप में, और रहते किसके साथ है? एल्गे के साथ। ये अब यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाएगा, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से बनते हैं। दे लिव इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद एल्गे, एल्गे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कौन सी होती है? इन विच बोथ ऑर्गेनिजम्स, गिव म्यूचुअल बेनिफिट टू ईच अदर, जहां पे दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को जो है म्यूचुअल बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। यस, ये लक्षद्वीप में ही है मुश्ताक, तो ये आपको यहाँ पे बने हुए मिलेंगे। और कौन से एल्गे के साथ रहते हैं? प्लीज नोट डाउन द नेम ऑफ दैट एल्गे, जूजांथले, ठीक है? एल्गे का नाम है जूजांथले। बहुत कम एरिया में है वैसे कोरल रीफ, 0.1% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया है, बट मरीन इकोसिस्टम में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है? हैं ये बहुत कम ही, लेकिन ये बहुत बड़ा एक ज्योग्राफिकल लाइक वहां बहुत अच्छी बायोडायवर्सिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी कहा जाता है उनको, लिख लीजिए, ऑल्सो नोन एज रेन फॉरेस्ट ऑफ सी। देखो भाई, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ध्यान से समझना। जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं हमें तो बेसिकली वो सॉल्व करने हैं, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एग्जाम में किस टाइप का चीज पूछा जाता है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, ये इसको तो आप बना लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको तो यूपीएससी भी बहुत बार पूछ चुकी है, तो ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए कि अगर कोरल रीफ्स आपको जहां मिल रही है, हम पढ़ेंगे कहां पर मिलती है ये कोरल रीफ जो है, ये एक्चुअली में इनको ग्रो करने के लिए कैसी कंडीशंस की जरूरत होती है। कंडीशन समझ रहे हो, कैसी रिक्वायरमेंट होती है? जैसे अगर मैं बात करूं टेम्परेचर, पानी में ग्रो होती है तो वाटर का टेम्परेचर कैसा चाहिए? वो 20 डिग्री से बिलो नहीं होना चाहिए, ऑन एंड अराउंड 23 से 25 डिग्री इनका आइडल टेम्परेचर है। लिखो फटाफट इस चीज को, आइडल टेम्परेचर कितना है? ज्यादा नहीं होना चाहिए 35 डिग्री से, 20 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, वाटर जो है वो सेलाइन होना चाहिए, फ्रेश वाटर नहीं होना चाहिए।
ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। यस, कोरल्स के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। कोरल की ग्रोथ के लिए ये कंडीशंस चाहिए, लिख लीजिएगा, बोथ हाईली सेलाइन, बहुत ज्यादा खारा पानी है, सॉल्ट वाटर बहुत ज्यादा है, और फ्रेश वाटर या बिल्कुल ही फ्रेश वाटर है, दोनों ही ये हमारी यहाँ पर हमारे लिए नुकसान देंगे। तो पहली कंडीशन टेम्परेचर की लिखेंगे सब लोग, ठीक है। सेकंड कंडीशन आपकी सेलाइन, सेलाइन का यहां पर क्या मतलब है, सॉल्ट वाटर। कैसा चाहिए सॉल्ट वाटर, 27 डिग्री से 40% के बीच में, ठीक है। आसिफ, पहली बार नहीं पढ़ा रही हूं मैं, मुझे भी पता है कि आप लोगों ने लिखना भी है, समझ में भी आना चाहिए, ठीक है। आप लोग लिख रहे हैं, समझ भी रहे हैं साथ साथ। लिख लीजिए यहां तक। ट्वेंटी सेवन से फोर्टी डिग्री सैलिनिटी, और ये लाइन जो मैंने लिखी है कि बोथ हाईली सेलाइन होना चाहिए एंड फ्रेश वाटर, दोनों ही हार्मफुल है। अगर ज्यादा सेलाइन हो जाएगा या ज्यादा फ्रेश होगा तो दोनों ही उसमें कंडीशन में कोरल्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है भाई, फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन आई होप लिख लिया होगा अब तक तो सब लोगों ने। और जितना टाइम वेस्ट आप लोग चैट बॉक्स में लिखने में करते हैं, इससे बड़े तो नोट्स में लिख लो, तो वो ज्यादा टाइम बच जाएगा। तीसरा लिखेंगे भाई, शैलो वाटर होना चाहिए, मतलब वाटर की जो डेप्थ है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, किससे, 50 मीटर से, 50 मीटर तक होनी चाहिए और 200 मीटर से ज्यादा ना एक्सीड करे। मतलब कि अगर मैं आइडल डेप्थ की बात करूं कि कितनी होनी चाहिए, वो है 45 मीटर से 55 मीटर। बिलो सी सरफेस, ठीक है। क्यों ऐसा है, क्यों हमें डेप्थ ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि सनलाइट नहीं मिलेगी फिर, ठीक है। अगर सन, क्योंकि सनलाइट चाहिए, फोटोसिंथेसिस करना है, फूड प्रिपेयर करना है, तो फूड प्रिपरेशन के लिए इतना अमाउंट में डेप्थ होगा, तभी फूड प्रिपरेशन हो पाएगा। तो यहां पर सनलाइट भी उनको कैसी मिलनी चाहिए, एबंडेंट, लाइक गुड अमाउंट ऑफ सनलाइट इज रिक्वायर्ड। लिख लीजिए यहां तक। ये है इनकी मेन इंपॉर्टेंट ग्रोथ के लिए कंडीशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। यूपीएससी का जो एग्जाम है, बहुत सारे एग्जाम लेती है यूपीएससी, नॉट ओनली सिविल सर्विसेज, बहुत सारे डिफेंस बेस्ड एग्जाम भी लेती है, उसमें ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो चुका है, ठीक है। हेलो, राइट डाउन दिस पॉइंट्स। टेक योर टाइम फॉर राइटिंग। राइट, डन यहां तक, बताओ जरा एक बार, यहां तक डन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इन पूरी सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन करना। सेकंड पॉइंट, सैलिनिटी, लाइक ओशंस होते हैं ना, आपको पता है ना
ये ओशंस के अराउंड ही मिलते हैं, ये फ्रेश वाटर में तो मिलते ही नहीं, अगर फ्रेश वाटर होता तो रिवर्स में मिलते, रिवर्स में तो मिलते नहीं है, ओशंस में मिलते। और ओशन का पानी कैसा होता है? सैलाइन, खारा, सॉल्टी वाटर। तो सॉल्टी वाटर की कंडीशन भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा सॉल्टी वाटर होना चाहिए, सॉल्टी वाटर की कंडीशन किसके कितने बीच में लाई कर रही है, 27 से 40 के अराउंड कंडीशन है, बहुत ज्यादा भी यहाँ पर सैलिनिटी नहीं होती है, ठीक है। तो ये सैलिनिटी इनको ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए होती है, एक मिनिमम अमाउंट है 27 से 40% के बीच में। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं कुछ टाइप्स, एग्जाम में टाइप्स पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्योंकि इंडिया में मिलते हैं ये। टाइप्स क्या है इसके? फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ एंड एटॉल्स। बहुत सिंपल है, बेसिकली इनकी लोकेशन के बेस पर इनको तीन तरीके से क्लासिफाई किया, ठीक है। अगर तो ये एक लैंड है, ये वाला एरिया है पूरा लैंड, ठीक है, पिक्चर में देखो, लैंड के पास अगर रीफ मिल रही है, लैंड के बिल्कुल क्लोज है वो रीफ, ठीक है, अटैच्ड है लैंड के पास या आइलैंड के पास बिल्कुल अटैच्ड है, उसे हम कहते हैं फ्रिंजिंग रीफ, नाम है इसका, अभी मैं डिटेल में बताऊंगी इसका। और अगर वो लैंड से थोड़ी दूर है, ठीक है, लैंड से काफी ज्यादा दूर है, काफी सारा एरिया में बहुत सारे कोरल्स इकट्ठा है, उन्हें हम कहते हैं बैरियर, ठीक है। और बिल्कुल ही दूर है, आप देख रहे हो इधर सेंटर के बीचों बीच ऐसा सर्कुलर शेप बना रही, ऐसा देखा गया है, इसलिए ये नाम यहाँ पर पड़े हैं, ऐसा मिलती है तो इनका नाम पड़ जाएगा एटॉल्स, ठीक है, तब इनका नाम पड़ता है एटॉल्स। तो बेसिकली इनको हमने कैसे डिवाइड किया है, एक लैंड के बिल्कुल पास है तो फ्रिंजिंग हो गई, लैंड से दूर है और काफी ज्यादा दूर है तो बैरियर हो गई, और बिल्कुल ओशन के बीचों बीच मतलब लैंड से बहुत ही ज्यादा दूर है तो वो है एटॉल्स। तीन तरीके की इसकी क्लासिफिकेशन। जैसे अगर मैं बात करूं फ्रिंजिंग रीफ की, जो कोस्ट लाइन के पास, ठीक है, आइलैंड की या कॉन्टिनेंट की किसी भी लैंड के बिल्कुल कोस्ट पे मिल रही है, ठीक है, पास में मिल रही है, और ये सबसे कॉमन सी, सबसे ज्यादा यही मिलती है, इंडिया में भी सबसे ज्यादा यही है, ठीक है। इंडिया हैज फ्रिंजिंग टाइप ऑफ रीफ मोस्ट कॉमन, लिख लो ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट है। मैं इसको एक काम, मैं आपको बनवा भी देती हूँ इसके बारे में, या तो आप ये वाला जो सामने बना है आपके वो बना लो आप, या तो आप इसको जैसे मैं बना रही हूँ वैसे बना लो, ऐसे लिख लो लैंड, ऐसे करके बना लो कि ऐसे करके रीजन है बहुत बड़ा ऐसा जो बिल्कुल साथ में है, वो है फ्रिंजिंग रीफ, ठीक है, अलोंग कोस्ट लाइन, ठीक है। एक अगला आप बनाइए इससे अलग, यहां पर बनी हुई है बहुत सारी, कुछ ऐसे करके स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो है बैरियर रीफ, ठीक है। ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक एक्सटेंड हो रहा है, एक्सटेंड फ्रॉम कहां से, कोस्ट लाइन से, कोस्ट लाइन तो यहां पे थी, ये है लाइन, इस लाइन से थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर आगे तक जा रहा है तो वो है बैरियर रीफ। और लास्ट है स्ट्रक्चर, ऐसे सर्कुलर से बनेंगे एटॉल्स, ये क्या होते हैं, ग्रेट डिस्टेंस, और ये इंडिया में नहीं मिलते, पैसिफिक ओशन में मिलते क्योंकि पैसिफिक ओशन बहुत बड़ा है ना, और ये सर्कुलर शेप में बनाना है इसको क्योंकि ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप में ही मिलते हैं। बना लो इसको ऐसे,
आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या बने हुए हैं, इनके बेस पे इनको डिवाइड किया गया। बना लो इसको, ये हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म करो। डन, ठीक है, ये मैं स्क्रीन हटा रही हूँ फिर। ठीक है, तो ये है हमारे स्ट्रक्चर। ये देखो भाई इस पिक्चर को दोबारा से, आपको अब क्लियर हो जाएगा। ये है ये पिक्चर, ये है एटॉल्स, ऐसे देख रहे हो सर्कुलर से बने हुए हैं, आसपास बना हुआ। तो ये जो पूरे बने होते हैं ना, इन्हें हम कहते हैं एटॉल्स, ये स्ट्रक्चर एटॉल्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे सारा कुछ। ये है ये वाली पिक्चर, समझो। इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है भाई, फटाफट मुझे जरा मैसेज करके बताओ। ये मैंने बताया हुआ आप लोगों को कि इंडिया की कोस्ट लाइन कितना एक्सटेंड करती है। एनी आइडिया? नो आइडिया। वैसे तो सामने लिखा ही हुआ है, पर एग्जैक्ट फिगर भी मैंने आपको बताई हुई है। ठीक है, एग्जैक्ट फिगर ये है। तो होता क्या है, इंडिया में बहुत सारी आपको कोरल रीफ्स मिलेंगी, मैक्सिमम आपको मिलेंगी फ्रिंजिंग। ठीक है, फ्रिंजिंग रीफ, जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लो। इंडिया हैज फ्रिंजिंग टाइप ऑफ रीफ, कोस्ट लाइन के पास मिलती है और सबसे ज्यादा मिलने वाली यही रीफ्स है। ठीक है, लिख लीजिए, इट इज अ प्लेटफॉर्म। अगर और आप लिखना चाहते हैं इसमें, इट इज अ प्लेटफॉर्म अटैच्ड टू कॉन्टिनेंटल कोस्ट और आइलैंड। ठीक है, ये अटैच्ड होता है इस तरीके से। अंजुम का आप पूछ रहे हो टॉपिक क्या है। अंजुम, अभी हमने लास्ट की जो पहले की क्लासेस है उसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड को स्टार्ट किया था। तो लक्षद्वीप आइलैंड को एक कंटिन्यू करते हुए कोरल रीफ्स को हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी फर्स्ट क्लास है उनके लिए इंफॉर्मेशन है, बिकॉज फर्स्ट क्लास वालों को बिल्कुल समझ नहीं आ पाएगा कि चल क्या रहा है। राइट, ये था फ्रिंजिंग, आई होप सबने लिख लिया होगा। बैरियर बताया था ना, जो कोस्ट से काफी आगे, मच वाइडर है और काफी दूर जाती है। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में एक नॉर्मल लैंग्वेज में लिखवा देती हूँ। लिखो, इट इज द लार्जेस्ट ऑफ थ्री रीफ्स। जो तीन नाम आप पढ़ रहे हो उसमें से सबसे बड़ा एरिया इसी का होता है, एरिया की बात कर रहे हैं। इट रन्स फॉर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स फ्रॉम कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन से थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स आगे होते हैं। ठीक है, और चौड़े भी बहुत होते हैं, दे आर वाइडर एज कंपेयर्ड टू फ्रिंजिंग और एटॉल। एटॉल्स और फ्रिंजिंग के रिस्पेक्ट में इनका जो एरिया ना वो काफी वाइडर होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आई होप सब लोगों ने सुना होगा,
ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको मैप में अभी दिखाती हूँ, ऑस्ट्रेलिया का मैप मैं अभी आपको शो करती हूँ। उस ऑस्ट्रेलिया के मैप में आपको ये मैं दिखाती हूँ कि कहाँ पे बनी हुई है। पहले आप ये पॉइंट्स नोट करो। आई एम शोइंग यू द मैप ऑफ ऑस्ट्रेलिया। एक बार उसको देखो सब लोग। एक पीडीएफ फाइल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसमें आपको ये क्लियरली दिख जाएगा। शेयर किया मैंने, ये देखिए भाई, इसमें भी नहीं दिख रहा। वैसे ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है। हाँ भाई, यहाँ देखो, इसमें ये वाला मैप देखो। जूम किया है मैंने, ध्यान से देखो सब लोग। ये देखो, ये है क्वींसलैंड। ठीक है, इस क्वींसलैंड के इस रीजन में आपको क्या मिल रहा है? पूरा ग्रेट बैरियर रीफ, कोरल सी, कोरल बेसन, ये पूरा एरिया। ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है, तो ये क्वींसलैंड है ऑस्ट्रेलिया में। तो क्वेश्चन आया था कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ लोकेटेड है, सीधा क्वेश्चन था। और उसका आंसर क्या था? ईस्ट ऑफ क्वींसलैंड। लोकेशन देखी सबने, क्वींसलैंड के ईस्ट वाले रीजन में। ये रही ग्रेट बैरियर रीफ, क्योंकि ये बहुत बड़ी है। लाइक ये ऑस्ट्रेलिया के इस रीजन से करीब ही आगे तक पूरा 2000 किलोमीटर तक जा रही है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ। तब इसका नाम क्या पड़ा है? ग्रेट। ठीक है, समझ रहे हो ना ग्रेट नाम क्यों आया? बैरियर रीफ तो आपको समझ में आ गया कि कोस्ट से काफी दूर तक है, लेकिन ग्रेट क्यों है? क्योंकि वर्ल्ड की लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट कोरल रीफ हमें वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगी, ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ईस्ट ऑफ क्वींसलैंड। राइट डाउन, इसको चाहे आप बना भी सकते हो इस तरीके से, कैसे मैप सा बना लो और साइड में ऐसा बना लो, लिख लो कि इस रीजन में मिलती है, ये है क्वींसलैंड और यहाँ पे मिलती है। इसको बना लो आप लोग, ज्यादा लंबे टाइम के लिए याद रहेगा आपको। फिर ये डन एवरीवन, सबने यहां तक बना लिया। आगे बढ़ते हैं। ये था मैप, ये वाला, ये वैसे ऑस्ट्रेलिया का मैप था पूरा। ठीक है, आप चाहे तो एक और मैप भी देख सकते हैं, उसमें भी आपको दिख जाएगा। ये है आपके सामने, आप इस मैप में भी देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा ग्रेट बैरियर रीफ, कोरल सी आइलैंड, कोरल सी, पूरा ये कोरल सी सारा यहाँ पे कोरल्स है क्वींसलैंड के पास। ठीक है भाई, तो इसका एग्जाम्पल सब लोग लिख लीजिएगा कहाँ पे मिलते हैं। और लास्ट हमारे आते हैं एटॉल्स, ATOLLS। क्या लिखोगे भाई, क्या होते हैं ये? सर्कुलर होते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर रिंग लाइक बनता है। ठीक है, और लिख सकते हो लोकेटेड एट ग्रेट डिस्टेंस, समझ गए ना, बहुत दूर डिस्टेंस पे बने। कहां से? फ्रॉम कोस्ट लाइन। ठीक है, सेंटर में ऑलमोस्ट लोकेशन होती है इनकी, सेंटर ऑफ द ओशन। और सबसे ज्यादा कहां मिलते हैं? पैसिफिक ओशन।
मैक्सिमम ये स्ट्रक्चर मिलते हैं पैसिफिक ओशन. लाइक क्वेश्चन आता है कि जो एटॉल्स हैं वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं, तो वो पैसिफिक ओशन. और कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ और लिखे हैं. सुवा डीवा एटॉल मालदीव्स में है, मालदीव्स आपको पता है इंडिया के पास पड़ता है. बांगाराम एटॉल हमारे अपने लक्षद्वीप में है, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर बनाता है एक रिंग लाइक, दूर नहीं है ज्यादा पर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए हम इसको, ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअली में लक्षद्वीप की है. लिख लीजिए ये चीज. राइट एवरीवन, ये आपको नोट करना है. अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इंडिया में कहाँ पे है, ठीक है, इंडिया में कहाँ पे है, ये सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो इस वाली स्लाइड से आपसे पूछे जाते हैं कि इंडिया में कहाँ मिलते हैं. यूपीएससी ने एक एग्जाम था एनडीए का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, सीधा क्वेश्चन था कि कहाँ पे कोरल रीफ्स इंडिया में मिलते हैं. हमारे यहाँ बहुत ज्यादा नहीं है बट कुछ लोकेशन है, आप नाम लिखो, मैं आपको लोकेशन मैप में दिखाती हूँ. पाक बे, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इन सब जगह पे आपको कोरल रीव्स देखने को मिलेंगे, ठीक है. पाक बे, मैं भी आपको ये लोकेशन सारी दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली ये लोकेटेड कहाँ है, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन रहती है. पाक बे, गल्फ ऑफ मन्नार, पाक स्ट्रेट, ये बने कहाँ पे हुए हैं, मैं आपको प्रॉपरली मैप में दिखाती हूँ लोकेशन. इंडिया में लिख लीजिए यहाँ पे लोकेटेड है. ठीक है भाई, एक बार इनकी लोकेशन देखो. आई एम शोइंग यू वन स्लाइड, उसमें एक बार आप इनकी लोकेशन देख लो कि ये यहाँ पे बने हुए हैं. एक स्लाइड मैंने आपके साथ शेयर की है, यहाँ पे देखेंगे. ये देखो भाई लोकेशन मैप में देखो ध्यान से, बहुत क्लियरली ये वाला मैप मैंने लोकेट किया है. ये है तमिलनाडु इंडिया का, ये है श्रीलंका, सब जानते हैं इस चीज को. तो इनके बीच में एक लाइन आती है पाक स्ट्रेट, वो भी सब जानते हैं. लेकिन देखो एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है क्वेश्चन, ध्यान से समझना इस चीज को, लिखना बाद में पहले समझना. एग्जाम में पता है क्या आएगा, ये चार नाम जो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हो, इन चार नाम को लिखेगा और आपको कहेगा कि नॉर्थ से साउथ इसको अरेंज करो एज दे अपेयर इन मैप. इन चारों को अरेंज करो और 110% आप लोगों ने नाम तो सारे सुने होंगे पर आपको अरेंज करना नहीं आ पाएगा इसको, इसको नॉर्थ से साउथ कैसे करें. आपको तो लगा था सारे एक साथ ही बने हुए, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि भाई ये भी नॉर्थ से साउथ अरेंज होते हैं, है ना, ऐसा होता है सबके साथ. इसीलिए ये वाली स्लाइड मैंने स्पेसिफिकली प्रिपेयर की है, दोनों में क्लियरली दिखा के कि सबकी लोकेशन डिफरेंट है. सबसे ऊपर पाक स्ट्रेट आता है मैप में देखो, उसके नीचे का जो रीजन बना है जाफना के साथ वो है पाक बे, और इंडिया के रामनाथापुरम जो कि तमिलनाडु में है उससे त्रियम कोमले ऑफ श्रीलंका को जो कनेक्ट कर रहा है वो है राम सेतु, ठीक है. इसका पुराना नाम क्या था,
एडम्स ब्रिज, अब नाम क्या चेंज हो गया, राम सेतु, और उसके नीचे आता है गल्फ ऑफ मन्ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी तक नहीं पूछा गया ऐसा क्वेश्चन, बट देर इज अ हाई चांस कि आगे एग्जाम में ये क्वेश्चन आए। अब जो भी एग्जाम आप पंचायत सेक्रेटरी का दे रहे हो, आप और कोई एग्जाम दे रहे हो अपने स्टेट का या किसी भी और लेवल का, सब में ये इंफॉर्मेशन काम आने वाली। अभी मैप में अभी अपना बनाओ इस चीज को और अभी इसको लर्न कर लो कि सबसे ऊपर पार्क स्ट्रीट बना हुआ है, फिर पार्क बे, एडम्स ब्रिज, दूसरा नाम लिख लो इसका राम सेतु या राम ब्रिज, लास्ट में गल्फ ऑफ मन्नार है। और राम सेतु किसको कनेक्ट कर रही है, रामनाथापुरम एंड त्रिकन मल्ले ऑफ श्रीलंका। ठीक है, लिख लो इसको। और एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से मैप में से देख के बताना है, मैं अलग से कुछ नहीं पूछ रही। माय क्वेश्चन इज विच इज द नदरमोस्ट पॉइंट ऑफ नदरमोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ श्रीलंका, बिकॉज श्रीलंका इज इन न्यूज, ऑल ऑफ यू नो दैट। श्रीलंका अभी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, इंडिया ने भी खूब मदद करी है उनकी, तो बताओ जरा एक बार क्या है इसका। वेरी गुड रकया, तौसीफ भाई, सब लोग मुझे डायरेक्ट आंसर करेंगे, कोई भी एवरी वन पे मैसेज ना करे, मुझे जब आंसर करोगे देन ओनली आई विल रिप्लाई। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स तक मैसेज जाता है, फिर वो स्टूडेंट मुझे मैसेज करते कि मैम डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट मैसेज मुझे करो आंसर्स का आपने। ठीक है भाई, सबका आंसर करेक्ट है, मैप में आप लोगों को दिख रहा है आंसर इज जाफना डिस्ट्रिक्ट, सबको दिख रहा है मैप। ठीक है भाई, लिख लो, ये पूरा स्क्रीन आपके सामने है, इसको तरीके से नोट करो। और इन सब जगह पे आपको कोरल रीफ्स मिलेगी इंडिया में। ठीक है, जितने भी यार नाम लिख रहे हो आप, देयर यू विल फाइंड कोरल रीफ्स, आपको हर एक एरिया में मिलेगी। ठीक है भाई, ये एक तो यहाँ मिलती है इन चार जगह पे, और कहाँ मिलती है इंडिया में वो भी लिख लेते हैं कि इंडिया में कोरल रीफ्स इनके अलावा कहाँ, ये तो आपने लिख लिया। आगे लिखेंगे और कौन सी लोकेशन है, मैं मैप शो करती हूँ आपको उसका भी। ये वाली लोकेशन सबने लिख ली, इधर देखो पार्क स्ट्रेट गल्फ ऑफ मन्ना, एक मिलता है आपको इस रीजन में, यहाँ पर जो मैं अभी बना रही हूँ ना, मार्क कर रही हूँ ऐसे, कौन सा रीजन है ये, गल्फ ऑफ कच्छ, यहाँ पे मिलेंगे, लिख लीजिए गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, उसके बाद और कहाँ, कुछ अमाउंट में अंडमान, फ्यू अमाउंट में अंडमान में भी मिलते हैं, लेकिन कम अमाउंट, उतना ज्यादा अमाउंट में नहीं मिलता। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा और कहाँ मिलता है, मतलब इन रीजन्स के अलावा, एक रीजन है महाराष्ट्र की तरफ, यहाँ पर महाराष्ट्र में आता है रत्नागिरी, आई होप सबने नाम सुना होगा इस जगह का। यहाँ पर इन रीजन्स में आपको, सब रीजन में आपको फ्रिंजिंग मिलेगी, इन एवरी रीजन यू आर गोइंग टू फाइंड फ्रिंजिंग रीफ्स। और लक्षद्वीप में तो है ही, वो तो हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है भाई, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन सीधा आता है कहाँ पे क्या लोकेटेड है, कौन से एरिया में मिलती है, तो इनको याद रखिएगा। ठीक है भाई,
ये थी लोकेशंस और कहाँ कहाँ पे मिलते हैं कोरल रीफ्स, ठीक है। अब एक जैसे हम कोरल रीफ का टॉपिक पढ़ ही रहे हैं, तो लेट मी टेल यू वन अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू कोरल्स के बारे में। एक पूरे वर्ल्ड का कोरल ट्रायंगल भी कहलाता है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में एक रीजन और है जिसको कोरल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। लेट मी शो यू दैट रीजन ऑल्सो मैप में, मैं आपको वर्ल्ड के मैप में वो रीजन दिखाती हूँ। उसका रीजन का नाम है कोरल ट्रायंगल, लिखो जरा हेडिंग बनाओ कोरल ट्रायंगल। ये वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, इंडिया का तो आपने पढ़ ही लिया, वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया पढ़ लिया, उसके अलावा और कहाँ मिलते हैं वो लिखो। ये मैप देखिए भाई, वर्ल्ड का मैप है, कोरल ट्रायंगल वर्ल्ड में कहाँ मिलते हैं वो हमसे पूछा जाता है, सिक्स कंट्रीज में, ठीक है। मैं जूम कर रही हूँ मैप को इस रीजन में, ठीक है। मैं दूसरा भी एक और भी मैप दिखाऊंगी जिसमें आपको और क्लियरली दिखेगा। अभी आप नाम नोट कीजिए, इंडोनेशिया, मलेशिया मैं सर्कल कर रही हूँ, पपुआ न्यू गुएना, फिलीपींस, सोलोमन आइलैंड्स, तिमोर लेस्ते, सिक्स आपको मिल गए हैं। इन सिक्स कंट्रीज में यू आर गोइंग टू फाइंड कोरल्स और इसको हम कहते हैं कोरल ट्रायंगल। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, कोरल ट्रायंगल, देख लीजिए। और कोरल डे हम कब मनाते हैं, कोरल डे मनाया जाता है और लेट मी टेल यू दो दिन पहले ही था वो दिन, कोरल डे जो है, नहीं वो कल है, आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं और कोरल डे कल मनाया जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट हो गया हमारे एग्जाम के लिए। तो कल मैं आप लोगों से पूछूंगी कि कोरल डे की थीम क्या है, क्योंकि कल दिन जो है वो कौन सा है, कोरल डे। ये इन छह कंट्रियों ने डिसाइड किया है कि हम लोग कोरल ट्रायंगल जो है या कोरल डे मनाया करेंगे, ये इन छह कंट्रीज ने ही डिसाइड किया है, ठीक है। लिख लीजिए इसको। वैसे तो इस मैप में आप क्लियर हो गया होगा, बट आई कैन शो यू अनदर मैप एज वेल, और क्लियरली दिखेगा उसमें, ठीक है। प्रॉपर एशिया का मैप है, यहाँ पे देख लो इस वाले में, इसमें ज्यादा क्लियरली दिखेगा। ये देखो भाई, देख लो लोकेशन अच्छे से, ये बना हुआ है इंडोनेशिया, फिलीपींस, ठीक है, मलेशिया, ये रीजन सारे बने हुए हैं यहाँ पर, यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। यहाँ पे भी दिख जाएगा, दिख रहा ना सबको मैप में, ये रहा पपुआ न्यू गुएना, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, तिमोर लेस्ते इसमें नहीं दिख रहा इस मैप में, सोलोमन आइलैंड, ये रहे सोलोमन आइलैंड्स, ये रहा कोरल सी ऑस्ट्रेलिया वाला, तो ये सब आइलैंड्स है। तिमोर लेस्ते मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पर, हाँ भाई यहाँ नहीं दिख रहा है इस मैप में, पर आपने लोकेशन अभी देख ली ना, तो ये कोरल ट्रायंगल्स कहलाते हैं। कल याद रखिएगा कोरल ट्रायंगल की डे है, तो आपको कल के लिए थीम पढ़ना इम्पोर्टेंट हो जाएगा, हमारे एग्जाम के लिए थीम इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है भाई। ये आपको पूरा याद रखना है यहाँ तक, ये था कोरल्स के बारे में। आज की पूरी क्लास हम लोगों ने कोरल्स के बारे में ही पढ़, ठीक है। टोटल सेवन नहीं है, सिक्स है, सिक्स ही नाम लिखे, ठीक है, सिक्स नाम लिखे, सेवन नाम तो हमने लिखे ही नहीं, ठीक है। ये आपने पूरा यहाँ तक कंप्लीट किया, ये थे पूरे कोरल्स के बारे में सारा कुछ। इनसे क्वेश्चन आते हैं, जो जो आपने टॉपिक अभी पढ़ा है, इनसे आपके एग्जाम में कोरल के ऊपर पूरा पूछा जा सकता है, ठीक है। एक टेस्ट भी आपका अपलोड होगा आज, जिसमें सिर्फ कोरल्स के ऊपर क्वेश्चन होंगे,
तो जो आपने आज पढ़ा है आप उस टेस्ट में उसको अप्लाई करके देखना, आपको पता लगेगा कि आपने जो पूरा पढ़ा है वो आपको समझ में आया है या नहीं, या कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे। कोरल सबको क्लियर हो रहा है या नहीं, से यस और नो फास्ट। कोरल सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? यस, कोरल ब्लीचिंग पे आते हैं इसके बाद। यहाँ तक तो हो गया ना सबका क्लियर? चलिए अब आते हैं एक टॉपिक पे। यहाँ पर अब इन कोरल्स में पता है क्या चल रहा है? बहुत ज्यादा ना इनको थ्रेट भी है कि ये जो कोरल्स हैं ये इनकी डेथ होती जा रही है, इनके ब्लीचिंग होती जा रही है। ठीक है, क्या होता है कोरल्स जो है ना इनका कलर फेड हो जाता है और इनका कलर हो जाता है वाइट। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कोरल जो है वो उनकी डेथ होती जाती है, या आप कह लो कि वो मतलब कोरल्स खत्म होते जाते हैं। कब हो सकता है ऐसा? ऐसा कब कब हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है, वैसे ये न्यूज में काफी ज्यादा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा ये चीज देखने को मिल रही है आज के समय में। ठीक है, ये ऐसे हमें मतलब देखने को मिल रहा है। तो ये जो पूरे कोरल्स हैं ऐसा क्यों ऐसा हो सकता है? या तो वार्म सी टेम्परेचर हो गया, तो सी का टेम्परेचर है वो ज्यादा गर्म होता जा रहा है, टॉलरेट नहीं हो पा रहा है उतना। ठीक है, या तो ओशन में एसिडिफिकेशन बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है? सीओ टू का लेवल बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से सैलिनिटी इंक्रीज होती जा रही है। और अभी बताया ज्यादा सैलिनिटी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, they cannot tolerate high salinity, इसलिए डेथ होती जाती है। उतना नहीं है ना एबिलिटी नहीं है उतनी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट यू ऑल नो ओशन पॉल्यूशन, पॉल्यूशन की वजह से तो सबसे ज्यादा ये चीज प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट यहां पर याद रखिएगा। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें की गई, बहुत सारे नए नए स्टेप लिए गए। ठीक है, सरकार ने बहुत सारे नए नए काम किए ताकि हम कोरल को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, जैसे क्या क्या लिए स्टेप, इनिशिएटिव्स कौन से लिए गए हैं? कोरल ट्रायंगल बनाया गया। ठीक है, एक बनाई गई इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव, एक ये अलग से बनाया गया इंटरनेशनल लेवल पे कोरल रीफ इनिशिएटिव लिया गया। आपको इनका डिटेल में नहीं जानना, वो आपसे कोई नहीं पूछेगा, बट पता होना चाहिए बस कि ऐसे लिए गए हैं। सस्टेनेबल ओशन इनिशिएटिव, UN Environment Global Coral Reef Partnership, ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो इस कोरल को प्रोटेक्ट करने के लिए लिए गए हैं पूरे वर्ल्ड लेवल। लिख लीजिए, ठीक है भाई। सस्टेनेबल का मीनिंग देखो, सस्टेनेबल वर्ड का मीनिंग होता है यूज ऑफ रिसोर्सेज इन एफिशिएंट मैनर सो दैट फ्यूचर जनरेशन कुड ऑल्सो यूज इट।
इसका मतलब होता है कि हमें अपने रिसोर्सेस का इस तरीके से यूज करना है कि कम से कम आगे आने वाली जनरेशन को कुछ तो यहाँ पर फायदा मिले उसका। मतलब ऐसा नहीं कि हमें अपने रिसोर्सेस को इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि आगे आने वाली जनरेशन को कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो उसे हम कहते हैं यहाँ पर, लिख लीजिए, सस्टेनेबल। यस, जुडिशियल यूज, प्रॉपर यूज, सस्टेनेबल मेथड में यूज करना, इसे हम कहते हैं कोरल रीफ्स। ठीक है भाई, ये इनिशिएटिव्स थे। तो कोरल्स के बारे में आज हमने पूरी क्लास में डिस्कस किया है। इससे बाहर आपसे नहीं पूछेंगे क्वेश्चंस, जितना क्लास में पढ़ा है उतना अच्छे से कर लीजिए, उतना इनफ है। ठीक है, कोरल्स के बारे में पूरा पढ़ लीजिएगा, इसके ग्रोथ कंडीशन, वेरी इंपॉर्टेंट ग्रोथ कंडीशन, ज्यादातर क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं। ग्रोथ कंडीशंस भी पूछते हैं, टाइप्स वगैरह पे थोड़ा बहुत पूछ लेंगे, हो सकता है कभी एक आधा। देखो जितना भी हमने आज पूरा टॉपिक पढ़ा है ना, इससे एक क्वेश्चन आएगा, ज्यादा से ज्यादा, और क्वेश्चन नहीं बच सकता, सिर्फ एक क्वेश्चन। ठीक है, तो इस एक क्वेश्चन के लिए इतना टाइम लगाना बहुत है, इससे ज्यादा टाइम इस पे लगाने का कोई यूजेज नहीं। ठीक है, हाँ जी अब्दुल, मैंने बताया ना इंडिया में कोरल रीफ्स है, अभी तो लिखवा है पाक बे और गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्च, अंडमान निकोबार, सारा लिखवाया तो था अभी, तो वो सब इंडिया के बारे में ही था ना कि इंडिया में कहाँ कहाँ मिलती है। ठीक है, तो ये वाला आपका टॉपिक हुआ। जिनकी भी ये न्यू क्लास है, ठीक है, जिनकी भी ये, हाउ आर दे फॉर्म, रईस अहमद, ये अंडर वाटर स्ट्रक्चर है, ये अंडर वाटर स्ट्रक्चर है, दे आर फॉर्म बाय देमसेल्व्स, नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, येस, दिस इज इनफ फॉर के एस ऑल्सो, ये मैं ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ पीडीएफ। हाँ, ये वाली पीडीएफ नहीं सेंड करी, फिजिकल फीचर की 60 पेजेस की ऑलरेडी आई हैव सेंड, कोरल रीफ्स की जस्ट आफ द आफ्टर द क्लास आई विल सेंड। ओके, जस्ट आफ्टर द क्लास मैं पूरा सेंड कर दूंगी। और जो हम क्लास में ये पढ़ रहे हैं ना, ये नोट्स और ये सब कुछ लिखना, ये आपको सिर्फ अभी के एग्जाम के लिए काम नहीं आएगा, इस वाले एग्जाम में तो पढ़ ही रही हूँ, उसके अलावा आप कोई भी एग्जाम देते हो, आपने एसआई का एग्जाम दिया है या उससे आपने पहले असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्जाम दिया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, या आपने और भी कोई एग्जाम दिया है, केएएस का एग्जाम दोगे, सब में ये काम आएगा। ठीक है, अगर आप जीएस पढ़ रहे हो तो आपको ये सारी चीजें हर एक एग्जाम में काम आने वाली है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, तो फायदा ज्यादा होगा, लेक्चर ध्यान से सुनोगे, नोट्स अच्छे से बनाओगे, एंड मैं ये नोट्स आपको सेंड कर दूंगी जस्ट आफ्टर द क्लास। और आपका इसका मॉक टेस्ट भी अपलोड हो जाएगा, उस मॉक टेस्ट में आपके अपने क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, यस जाहिद, इट्स ऑल राउंड इंफॉर्मेशन फॉर एवरी एग्जाम, एग्जैक्टली। ठीक है, आप किसी और स्टेट का भी एग्जाम देते हो तब भी ये इंफॉर्मेशन काम आए, क्योंकि कोरल रीफ तो वही रहने वाले। ठीक है, चाहे आप इंडिया में कोई भी एग्जाम दो, नॉट ओनली जम्मू कश्मीर, आप किसी और एग्जाम के लिए भी दोगे इंडिया में तब भी इंफॉर्मेशन काम आएगी। इसको ध्यान से समझ लीजिए, कर लीजिएगा। और इसके अलावा जो है, हम लोगों ने ये वाला टॉपिक ओवर किया है अपना। मैम, मैं आप में आपको स्लाइड शेयर कर देती हूँ। हम लोगों ने जो है इसके अंदर व्हाइट बोर्ड शेयर किया मैंने आप लोगों से, हम लोगों ने अभी सिर्फ एक ही टॉपिक पूरा किया, दैट इज आइलैंड्स। 6 थे हमारे फिजिकल फीचर्स, जिसमें से पहला कंप्लीट किया है आइलैंड्स। ठीक है, दो तरीके के थे, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में टॉपिक कंप्लीट किया है कोरल रीफ, सिर्फ ये कंप्लीट किया है। कल की क्लास से क्या शुरू करेंगे, कोस्टल प्लेन्स का टॉपिक, नेक्स्ट क्लास कल के लिए मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, कोस्टल प्लेन्स का। हाँ जी, अब आप लोग अपनी क्वारीज वगैरह पूछ सकते हैं, टॉपिक इतना ही है। हाँ जी, आपका थर्ड पॉइंट ठीक है, नाम क्या है, तौसीफ, आपका थर्ड पॉइंट यहाँ पे ठीक है, और लक्षद्वीप की सूटी टर्न और बटरफ्लाई वाली दोनों ही नाम करेक्ट हैं उसके अंदर,
दोनों ही नाम ठीक है। मुजफ्फर अहमद दोनों ही हैं, एक नहीं होता है, दोनों ही इसके अंदर करेक्ट हैं। एक नहीं पूछता एग्जाम में, ठीक है, सिंगल आएगा तो वो अलग क्वेश्चन होगा। इसके अंदर दोनों ही करेक्ट इंफॉर्मेशन है। यस रईस, एग्जैक्टली। फर्स्ट टू में एक बार मैं आपको इन पूरा एक बार देख के बताती हूँ। मैंने आपका क्वेरी देख लिया है, मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। आई विल जस्ट चेक एंड देन लेट यू नो, ठीक है, कल की क्लास में मुझे याद दिलाना, मैं इसको चेक करके आपको बताती हूँ। अगर के एस में आया तो ऑप्शन अलग अलग थे, दैट मीन्स उसमें नीचे लिखा होगा 1 एंड 2, 2 एंड 3 करके कुछ लिखा होगा, ठीक है, दोनों ही इसमें करेक्ट होंगे ऑप्शन। और अगर ज्यादा पूछता है कि एग्जैक्टली इसमें से बताओ, तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं, अगर एक ही पूछता है तो। वैसे तो देखो यार दोनों ही हैं इसके अंदर, तो आप ओशन पॉल्यूशन नहीं लगाओ, फिर ओशन पॉल्यूशन लगाना पड़ेगा क्योंकि वो ज्यादा अमाउंट में हो रहा है, वॉर्म वाटर उतना ज्यादा नहीं कॉज कर रहा। करंट अफेयर्स के लिए बेस्ट क्या रहेगा, आप मैगजीन ले सकते हो, ठीक है, आप मैगजीन भी ले सकते हो, आप कुरुक्षेत्र हो गया या योजना मैगजीन हो गई, या अगर आप न्यूज़पेपर रीड करते हो तो वो भी ठीक है, बाकी क्लास में भी कवर अप करेंगे, ठीक है, उतने ज्यादा तो आएंगे नहीं करंट अफेयर्स के, 4-5 क्वेश्चंस चांस है, तो अपना स्पोर्ट्स वगैरह को कवर अप करते रहो साइड बाय साइड। स्पोर्ट्स का सेक्टर हो गया, कोई अवार्ड्स वगैरह मिले हैं तो वो खुद भी उन चीजों के लिए अवेयर रहो। ठीक है भाई, चलिए ओवर करते हैं क्लास को, कंप्लीट करना कल की क्लास में क्या टॉपिक पढ़ना है, दैट आई ऑल्सो टोल्ड यू, सो उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, ओके देन, बाय एवरीवन, थैंक यू, गुड नाइट।